तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर, अपना चैप्टर नंबर जो भी यहाँ पे मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद वाला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर्स, ये जो चैप्टर है फिजिक्स का, हम लोग आज ये स्टडी करने वाले पढ़ेंगे। इसके बहुत अच्छे अच्छे पार्ट्स बनेंगे और मैं इसमें सबसे पहले आपको बेसिक्स वगैरह बताऊंगा कि जो आपको रिक्वायरमेंट है 9th और 10th से, वो बेसिक क्या है वो बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, ठीक है, और मैं हूँ प्रशांत और ये महाराष्ट्र बोर्ड का न्यू सिलेबस है। तो आप लोग को बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि इसके इसमें मैं बहुत ही अच्छा एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर पूरा अपना चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेसिक्स फ्रॉम 9th एंड 10th, मतलब 9th और 10th से बेसिक्स क्या है, ये आप लोग को थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि देखो हम लोग को क्या सीखना है, करंट सीखना है, ठीक है, कि भाई करंट क्या होता है, ठीक है, और ये करंट मतलब इसके बारे में सब कुछ जानना है। बस इसके बारे में सब कुछ जान लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि करंट किसमें सबसे पहले फ्लो होता है। तो करंट हमेशा याद रखना मेटल में फ्लो होता है। आप बोलोगे ये तो हमको पता है, तो फिर एक चीज और याद रख लो कि मेटल में ही क्यों फ्लो होता है। तो अब लोग मेटल के अंदर भाई चार्ज होते हैं, क्या होते हैं मेटल के अंदर चार्ज होते हैं। तो मैं बोलूंगा ठीक है मेटल के अंदर तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, कौन कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो फिर क्या होगा निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के चार्ज होते हैं, ये हम लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दोनों टाइप के चार्जेस हैं और इनमें से कौन से चार्ज से करंट फ्लो होता है, ठीक है। एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है निगेटिव चार्ज। तो आपको याद रखना है हमेशा निगेटिव चार्ज से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो अब देखो फिर आप बोलोगे कि जो चार्ज है ये फ्लो कैसे होता है और चार्ज के फ्लो होने से करंट कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये समझना है। तो समझ लो आपके पास एक वायर है, ये आपके पास एक वायर है और मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया, ये पूरी वायर है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे निगेटिव चार्ज भरे, ठीक है, बहुत सारे निगेटिव चार्ज भरे। आपको एक बात बता दूं, ये जो निगेटिव चार्ज होता है यही होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फा चार्ज है निगेटिव होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज है ये निगेटिव, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसी निगेटिव क्यू को हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो ठीक है। तो इस कोई भी समझ लो कॉपर है या आयरन है, कोई भी मेटल उठा लो, और मेटल के अंदर ही सिर्फ निगेटिव चार्ज होते हैं, नॉन मेटल के अंदर तो कोई भी चार्ज होता ही नहीं है। जब चार्ज ही नहीं है तो विदाउट चार्ज करंट कैसे प्रोड्यूस होएगा, समझ गया, इतना आपको याद रखना। तो मेटल के अंदर क्या होता है, चार्ज होते हैं, और कौन से चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। जब ये निगेटिव चार्ज किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, मतलब अगर सारे निगेटिव चार्ज ने ठान ली कि अब हमको एक डायरेक्शन में फ्लो होना है, ठीक है, तो जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होंगे ना, जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होंगे तो इस पूरे वायर में क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, करंट, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आय से डिनोट करते हैं। मतलब आपको एक चीज मान लेनी है कि जैसे ही करंट, ये जो निगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन हो या माइनस क्यू हो, ये फ्लो होना स्टार्ट होता है, वैसे ही उस पूरे के पूरे वायर में एक निगेटिव चार्ज के वजह से ये जो चीज है, एक चीज प्रोड्यूस होती है और उस चीज का नाम है करंट, ठीक है, जिसको हम लोग आय से डिनोट करते हैं। इतना आपको याद रखना है, यही है करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये करंट का प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है कि ये करंट का जो प्रोडक्शन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, द फ्लो ऑफ चार्ज के ऊपर, समझ गया। देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ, एक करंट चीज है, करंट हमेशा मेटल में होती है। आप बोलोगे मेटल में ही क्यों, तो आप बोलोगे भाई मेटल के अंदर चार्ज होता है, ठीक है, चलो मान लिया। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव के निगेटिव, तो कौन से वाले चार्ज से, तो हमेशा याद रखना निगेटिव वाले चार्ज से हमेशा करंट प्रोड्यूस होता है। मतलब करंट प्रोडक्शन के लिए चार्ज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे एक मेटल उठा लिया, उसके अंदर माइनस चार्ज भरा हुआ है। अब कब प्रोड्यूस होगा करंट, ये कंडीशन आती है, जब भी निगेटिव चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा तो हमेशा उसमें, उस मेटल में जो भी वायर होगी उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि करंट का प्रोडक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो करंट का प्रोडक्शन हमेशा डिपेंड करता है कि फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज के ऊपर, ये जो चार्ज है इसके फ्लो के ऊपर करंट का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। इसीलिए करंट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है क्यू अपॉन टी, टी मतलब होता है टाइम, यानी कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये हम लोग को पता करना होता है। मतलब कि टी मतलब टाइम और क्यू मतलब होता है चार्ज, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, तो जो चार्ज है इसकी यूनिट होती है कूलम्ब, क्या होती है इसकी यूनिट, कूलम्ब होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट हमेशा याद रखना आप लोग, इसकी यूनिट हमेशा सेकेंड होती है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो कूलम्ब पर सेकेंड क्या होता है, कूलम्ब पर सेकंड होता है एम्पियर, क्या होता है, कूलम्ब पर सेकंड एम्पियर होता है। इसके लिए करंट की जो यूनिट है वो क्या होगी, एम्पियर होगी, क्या होगी, एम्पियर, शॉर्ट में हम लोग इसको ए भी लिखते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चार्ज की यूनिट कूलम्ब, टाइम की यूनिट सेकंड, और करंट की यूनिट एम्पियर होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ए भी लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया
करंट के बारे में। अब चलो मैं बताता हूँ, यहाँ ध्यान देना अच्छे से, आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। समझ लो यहाँ पे ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, मैंने बड़ा किया, और वायर के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं ना, बहुत सारे एटम होते हैं, ध्यान रखना अच्छे से, ये एटम्स हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसा एटम्स, एक मिनट में अच्छे से सब बना देता हूँ, ये एटम्स हैं समझ लो। और इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि भाई अब एक चीज़ और आपको ध्यान रहो, जो करंट होता है ना, करंट वो हमेशा चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो कौन सा चार्ज, और चार्ज मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा याद रखना फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट प्रोड्यूस होता है, कौन से इलेक्ट्रॉन से, हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन समझ लो एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा ये न्यूक्लियस है, इसके अगल बगल ये एक ऑर्बिट है, ये एक दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भर गए, और बाहर समझ लो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी इस बाहर अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम आप लोग को पता ही होगा केमिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा है कि जो बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर फिल करना है, मुझे इसको स्टेबल बनाना है बाहर वाले ऑर्बिट को, तो मुझे और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, तो ये एटम क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कर देगा, ठीक है। जैसे ही बाहर रिमूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आके फ्री घूमने लगेगा, समझ गया, तो अभी जाएगा कहाँ। तो ऐसे ही बहुत सारे एटम्स होते हैं, अब एक एटम का मैंने बताया, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एटम है, एक मेटल के अंदर, एक वायर के अंदर हजारों करोड़ों मेटल होते हैं, तो इन सारे मेटल से एक एक इलेक्ट्रॉन, ये सारे एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं खुद की स्टेबिलिटी के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भगा देते हैं, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐसे बाहर आके घूमने लगते हैं, समझ गया, ये जब यहाँ आके ऐसे बाहर घूमने लगते हैं, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर घूमने लगते हैं, और ये पूरा एटम्स स्टेबल रहता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक साथ आते हैं और बोलते हैं कि चलो अब हम एक ही डायरेक्शन में भागेंगे, ठीक है। तो ये एक ही डायरेक्शन में सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, ये सबके सब एक एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये भागना स्टार्ट करते हैं, तो इस पूरे के पूरे कंडक्टर में, इस पूरे के पूरे जो मेटल है, इसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, समझ गया। तो जब ये एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो आपने एक चीज, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब करंट जब प्रोड्यूस होता है, तो एक चीज और प्रोड्यूस होती है, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, ये भी क्वेश्चन आता है ना, कि मतलब रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस कुछ और नहीं, जो करंट फ्लो होता है ना, उसको जो भी चीज रोकती है फ्लो होने से, समझ गया। कि ये समझ लो यहाँ पे एक मेटल है, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से कोई चीज आके रोके इसे, इसको फ्लो नहीं होने देना चाहिए, तो जो ये रोक रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, समझ गया, रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो ये रेजिस्टेंस आता कहाँ से है, ये हम लोग को समझना है। तो अब एक ही आप लॉजिक लगाओ, जब आपके सामने ये पूरा का पूरा मेटल है, ठीक है, और ये जो मेटल है आपके सामने, इसमें यहाँ पे एटम्स है, बहुत सारा एटम्स है यहाँ पे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आया, आपको पता है कि एटम ने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, समझ गया। तो यही इलेक्ट्रॉन्स भागना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे, समझ लो इस इलेक्ट्रॉन को आगे भागना है, ठीक है, तो ये एटम से इसको टकराना पड़ेगा, कोलाइड होगा, कोलाइड होना मतलब समझता है ना, टकराना, कोलिजन होना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस एटम से कोलाइड होगा, फिर आगे जाएगा, फिर इससे भी कोलाइड होगा, फिर इससे भी कोलाइड होगा, इससे भी कोलाइड होगा, तो इसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, और अगर ये इलेक्ट्रॉन यानी कि ये निगेटिव चार्ज, अगर इसकी स्पीड कम हुई, तो करंट का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, तभी हम लोग बोलते हैं कि जो लाइट आ रही है वो डिम आ रही है, समझ गया। क्यों बोलते हैं लाइट की डिम आई है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो चार्ज है धीरे धीरे भाग रहा है, तो वायर में करंट ही नहीं है, जब वायर में करंट नहीं रहेगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होगी बहुत कम हो जाएगी, समझ गया। तो ये करंट कम कैसे हुआ, तो ये हुआ रेजिस्टेंस की वजह से, और रेजिस्टेंस किसने प्रोड्यूस किया, किसकी वजह से रेजिस्टेंस आया, तो ये जो एटम है, इस एटम के वजह से रेजिस्टेंस आया है, ये एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को भागने से रोकते हैं, आगे एक डायरेक्शन से फ्लो होने से ये लोग इसको रेजिस्ट करते हैं, मतलब रोक देते हैं, आगे जाने नहीं देते हैं, समझ गया। ऐसे रेजिस्ट करने को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस कौन प्रोड्यूस करता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है, ये हमेशा एटम्स या फिर आयन्स जो होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पॉजिटिव ये जो मेटल है, ये एटम्स प्रोड्यूस करते हैं रेजिस्टेंस, किसमें, तो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में, ये इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो नहीं होना चाहिए, इनमें ये लोग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आर प्रोड्यूस होता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, क्योंकि सबसे पहले एक ओहम नाम के साइंटिस्ट ने इसे बताया था कि कैसे होता है, इसलिए इसको सबसे पहले ओहम ने बताया था, ठीक है। तो ये था टोटल करंट, और ये फिर इसके बाद रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सब कुछ आपको इतना आना चाहिए था, ये था पूरा बेसिक। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये आप लोग को 9th में मिलेगा, 4th चैप्टर साइंस के, ठीक है, और उसके बाद जो करंट के बारे में मैंने बताया, ये आपको 10th में मिलेगा, समझ गया, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट था,
और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन अपने चैप्टर का देखते हैं, ठीक है। तो भाई अब अपने चैप्टर में क्या पढ़ना ये समझते हैं, ठीक है। एक चीज और आप लोग समझ लो, आपके पास एक यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये समझ लो यहाँ पे आपके पास एक ये ऑर्बिट है और यहाँ पे ऐसा बहुत सारा, ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे फिल कर दिया और यहाँ पे मैंने दो ही इलेक्ट्रॉन डाले, ठीक है। तो अब ये वैलेंसी क्या होती है, मतलब वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लेते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग समझेंगे वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बहुत डिफरेंस होता है, ये चीज आप लोग जान लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये क्या डिफरेंस है ये आज समझ लो, ठीक है। आप लोग के टीचर्स ने कभी कभी कुछ ना कुछ गलत बताया होगा, अगर गलत बताया है तो उसे आप लोग आज करेक्ट कर लो, ठीक है। तो ध्यान देना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज नथिंग बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझा कि नहीं। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ना, ये जो पूरा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, तो इस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यही क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो फिर वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी कुछ और नहीं, एक चीज आपको थोड़ा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। समझ लो आपके पास एक मेटल है, ठीक है, समझ लो आपके पास एक मेटल है, ध्यान देना अच्छे से, ये एक मेटल है और इसके पहले वाले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में आठ इलेक्ट्रॉन है और सबसे बाहर वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैं बना देता हूँ, यानी कि 281 है, यानी कि ये सोडियम है, ठीक है, क्योंकि 281 वाला क्या होता है, टोटल 11 हो गया और 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और दूसरा एक और बना देता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैंने बनाया, समझ लो मैंने 287 वाला बना दिया, ये है क्लोरीन का, ठीक है, क्योंकि इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 17 और 17 एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, ठीक है। अब देखते हैं वैलेंसी क्या होता है, तो भाई इस सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है, ठीक है, लेकिन वैलेंसी कितनी है, तो इसकी वैलेंसी भी एक ही होगी। तो वैलेंसी क्या होता है, ध्यान देना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कितना लॉस करता है अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, शुद्ध एकदम अच्छे से आपको अगर बताऊं तो कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी होती है। अब इस ये जो यहाँ पे सोडियम है, इसको अगर अपने आपको स्टेबल रखना है तो ऐसे बनना पड़ेगा, 288 बनना पड़ेगा, लेकिन बाहर वाले में कितना है, सिर्फ 1 है, यानी कि इसको एक्स्ट्रा चाहिए 7 और 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, तो ये क्या सोचेगा, मैं अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर भगा देता हूं, तो ये बाहर भगा देगा, क्या बचेगा, अंदर 28 बनेगा, तो कम से कम 28 तो बचेगा, 28 बचेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये अपने आप पास से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भगा देगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, एक है, ठीक है। वैसे ही क्लोरीन में आ जाओ, क्लोरीन के पास बाहर कितने हैं, 7 है, तो ये अपने 7 तो भगाएगा नहीं 28 बनाने के लिए, ये सोचेगा किसी से मैं एक ले लूं, ठीक है। तो जब ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, अपने आपको स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लिया, एक लिया, तो मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, एक है, और इसने कितना लॉस किया था, एक किया था, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी थी, एक थी, समझ गया। वैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, समझ गया, 8 होता है, सॉरी यहाँ 8 होता है, तो अब आपको यहाँ पे इसकी वैलेंसी बनानी है, तो पहले में क्या हो जाएगा, 2 और दूसरे में कितने आएंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, पहले में तो 2 चले गए और बचेंगे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे बाहर। अब देखो तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, तो 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, बट इसकी वैलेंसी कितनी है, तो वैलेंसी इसकी होगी 2। कैसी वैलेंसी होगी 2, क्योंकि अगर 2 और 6 है अभी, बट इसको बनना कैसे, अगर स्टेबल इसको बनना है तो इसको 2 और 8 बनना पड़ेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 होने ही चाहिए, तो 8 बनना है अगर इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। तो मैंने क्या बोला, वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एनी एलिमेंट्स टू बिकम स्टेबल, यानी कि खुद के एलिमेंट्स को स्टेबल बनने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यही होती है उसकी वैलेंसी, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब तो आपको वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गया, तो अब हमको क्वेश्चन आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भाई ये बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने इसके पहले ही बताया कि कोई भी लॉस कर दिया, तो ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, बाहर भगा दिया, अपने एटम से भगा दिया, अपने एरिया से ही भगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, समझ गया। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं, अभी देखो बाहर चला गया ना, यानी कि इसके लोकेशन से ही गायब हो गया ये, ठीक है, यानी कि ये डीलोकलाइज हो गया, जब अपने लोकेशन से गायब हो गया तो ये क्या हो गया, ये एटम डीलोकलाइज हो गया, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो
यहाँ पे ध्यान देना, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम डीलोकलाइज व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कम्स टुगेदर इन द मेटल। जब एक मेटल के अंदर, ये मेटल है, मेटल के अंदर बहुत सारा यहाँ पे एटम है, इन जब बहुत सारे एटम्स एक साथ आते हैं तो जो आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? डीलोकलाइज यानी कि अपने लोकेशन को छोड़ देता है। डी मतलब होता है रिमूव करना, साइंस में डीई का मतलब होता है रिमूव होना, लोकलाइज मतलब लोकेशन, ठीक है, तो अपने लोकेशन को चेंज कर देना, ये होता है डीलोकलाइज होना। समझ गया इतना आपको बहुत अच्छे से। दीज आर दी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन, समझा, यही डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, ध्यान देना, आपको इतना समझना है कि यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यही क्या होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिमूव हो गए, निकल गए, तो अभी कहाँ घूमेंगे, ऐसे ही फ्री में घूमते रहेंगे क्या? तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ये फ्री में घूमते ही रहेंगे रियल में, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कंडक्शन करते हैं, भागते हैं, कंडक्ट करते हैं, कंडक्टर के अंदर कंडक्शन करते हैं, और इसी कंडक्शन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी कि करंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि आय प्रोड्यूस होता है। और रेजिस्टेंस कब बनेगा? जब वो एटम्स इनको रेजिस्ट करेंगे भागने से, इन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में भागने से क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, समझ गया, तब इनमें क्या प्रोड्यूस होएगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होएगा, समझ गया। तो ये पूरा कंसेप्ट था, पूरा 9th और 10th और इंट्रोडक्शन था हमारे चैप्टर का, मतलब चैप्टर अगर पढ़ना है तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो एक से दो बार ये जो 16 मिनट हुए अभी तक, एक से दो बार आपको लाइन से देखना है, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, अभी तक जो पढ़ा सब ये पुराना ही था, अब कुछ नया पढ़ते हैं। तो ये एक पूरा सा बड़ा सा मेटल है, ठीक है, अब यहाँ देखो एक बड़ा सा मेटल है और इस मेटल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये घूमेंगे तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। यानी कि अगर समझ लो कोई भी मेटल है तो इसमें ध्यान देना, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, जो निगेटिव चार्ज है वो भी एक डायरेक्शन में होना चाहिए, समझ गया, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई भी चीज़ फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया, इतना आपको याद रखना है। तो यही होता है इलेक्ट्रिक करंट, अगर कोई भी चीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का प्रॉपर कंडीशन, समझ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करवानी है तो आप लोग को सारे के सारे जो यहां पे करंट है इनको प्रॉपर वन डायरेक्शन में फ्लो करवाना होगा, ठीक है, तो इसीलिए करंट को क्या होता है, जो चार्ज होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो मतलब देखो करंट जो यहाँ चार्ज है ये चार्ज फ्लो करेगा गिवन यूनिट टाइम में तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, समझ गया, इतना आपको याद रखना है, यही होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे देखते हैं फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू जो करंट का फ्लो है वो क्या है, मतलब कैसे करंट फ्लो होता है, ध्यान देना अच्छे से। अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है। तो ए करंट कैन बी जनरेटेड बाय पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ध्यान देना, चार्ज से नहीं, चार्ज्ड पार्टिकल्स, समझ लो, अगर मैं बोलूं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इन चार्ज से कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन से ही करंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन से ही करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन पार्टिकल्स वर्ड बोला, मतलब बोलने का मीनिंग क्या है, समझ लो एक ये छोटा सा मेटल है और ये छोटा सा दूसरा मेटल है, इसके अंदर निगेटिव चार्ज है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि क्यू लिख लो, ई लिख लो, आप जैसा दिखाना चाहो दिखाओ, ठीक है, तो इसमें से ना, इसमें से भी आप लोग करंट प्रोड्यूस कर सकते हो और इसमें से भी आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन इसमें से बहुत कम प्रोड्यूस होगा, इसमें से हमेशा ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और यही मेन कॉज होगा करंट के प्रोडक्शन का, मतलब ये इसके पास आएगा तो करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ गया। पॉजिटिव निगेटिव दोनों कंबाइन होते हैं, कॉल्यूड होते हैं, कॉल्यूड मतलब एक साथ मिलके काम करते हैं, तभी जाके ये करंट प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रोलाइट्स बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स टेक पार्ट इन द कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है ये समझो पहले, देखो समझ लो ये एक पूरा पार्टिकल मेटल है आपके पास और यहाँ पे निगेटिव चार्ज बहुत सारा भरा हुआ है, ठीक है, तो अब आप ध्यान देना अच्छे से, निगेटिव चार्ज बहुत सारा भरा है, ठीक है, तो अब ध्यान देना कंडक्शन क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा तो ये सारे निगेटिव चार्ज जो है एक डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये जब फटाफट भागना स्टार्ट करेंगे ना तो इसी चीज को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, कंडक्ट होना, ठीक है, कंडक्शन मतलब कंडक्ट होना, ठीक है, तो इसी को कंडक्शन बोलते हैं। तो कंडक्शन किसी भी चार्ज का हो सकता है, पॉजिटिव का भी, निगेटिव का भी,
इन मेटल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। समझा क्या है? अब सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मेटल्स में कंडक्शन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? लाइट मतलब होता है ब्रेक करना, इलेक्ट्रो मीन्स होता है कुछ चीजें, जैसे कि समझ लो HCl है तो ये निगेटिव चार्ज है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, इसको ब्रेक किया तो एक H प्लस बन गया चार्ज और एक Cl माइनस चार्ज बन गया, दोनों चार्ज को ब्रेक कर दिया ना मैंने, तो इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि चार्ज का ब्रेक करना। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज है और पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज होते हैं ये इलेक्ट्रो है, लाइट मतलब होता है LYTE वाला लाइट, उसका मतलब होता है ब्रेक करना, तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो ब्रेक्ड चार्ज होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और मेटल की बात जब करूंगा तो मेटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कंडक्शन होता है, जो मतलब जो करंट प्रोड्यूस होता है, कंडक्शन ही करंट है, तो जब कंडक्शन या करंट प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ किसकी वजह से हो सकता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और बाकी किसी के भी वजह से नहीं होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड जनरेट अ नेट करंट अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नॉर्मली एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होता है। ठीक है, ऐसा जो भी होता है ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। एज लॉन्ग एज स्टेडी फील्ड एग्जिस्ट द इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू टू फ्लो इन द फॉर्म ऑफ स्टेडी करंट। अगर समझ लो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ लो इसके बगल में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेडी है, यानी कि स्टेडी मतलब होता है मूव ना करना, एकदम स्टैटिक पोजीशन में होना, एकदम मतलब शांत रहना, मतलब ज्यादा मूव नहीं होना, स्टैटिक होना। ठीक है, डायनेमिक का नहीं होना मतलब स्टैटिक होना। तो अगर स्टैटिक कंडीशन है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये करंट भी जो होगा वो स्टेडी करंट होगा। कैसा करंट होगा? स्टेडी करंट प्रोड्यूस होगा। समझ गया, यानी कि करंट का जो करैक्टर है स्टेडी या फिर डायनेमिक, ये उसके फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गया, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और नॉर्मली ऐसे करंट हम लोग सेल्स या बैटरी में यूज करते हैं। अगर समझो बैटरी के अंदर स्टोरेज भरा होता है ना, करंट भरा होता है, सेल के अंदर भी करंट भरा होता है, तो ये सब स्टेडी करंट है, मतलब ज्यादा मूव नहीं करते, जब हम यूज करेंगे तभी यूज होएगा। अपने फोन की बैटरी भी कैसी होती है, ये स्टेडी करंट इसके अंदर भरा होता है। समझ गया, मतलब चुपचाप बैटरी उसके अंदर भरी रहेगी, स्टेडी करंट रहेगा, इतना आपको याद रखना है। तो ये फ्लो ऑफ करंट था। ठीक है, चीज और आपको बता देता हूं, इस फ्लो ऑफ करंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहां पे समझ लेना चाहिए, जो करंट है ये कैसे फ्लो होता है, मतलब हम लोग मेजर कर सकते हैं ना बहुत सारे करंट के मतलब डायमेंशंस को, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छे से। समझ लो आपके पास एक करंट है, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ और छोटा सा यूनिट क्या है इसका, तो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये एम ए लिखा मतलब क्या होता है, मिली एम्पियर। क्या होता है ये? मिली एम्पियर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर ऐसे यहाँ पे अगर मैंने ऐसा साइन बनाया और ए लिखा, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइक्रो एम्पियर। क्या होता है ये? माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, मतलब ये सारे सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं। ठीक है, किसके? करंट के यूनिट है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, मतलब जो ड्रिफ्ट स्पीड है ये होता क्या है करंट्स में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जो करंट चार्ज फ्लो होता है ना वही है ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब जो करंट फ्लो होता है। अब ध्यान देना अच्छे से, समझ लो ये यहाँ पे, यहाँ से एक एक मेटल है, कॉपर का कोई मेटल आप उठा लो, और इसके अंदर बहुत सारा निगेटिव चार्ज भरा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, निगेटिव चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, निगेटिव चार्ज भरा हुआ है। अब ये निगेटिव चार्ज यहां से समझ लो, ये पॉइंट ए है किसी मेटल का और ये पॉइंट बी है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? एल है। ठीक है, इस एल वाले लेंथ में ये निगेटिव चार्ज कितनी स्पीड से भागता है, मतलब कितनी स्पीड से ये करंट भाग सकता है, इसी स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट स्पीड। लेकिन एक चीज और समझने वाली बात है, समझ लो ये पूरा फील्ड है, मतलब ये पूरा मेटल है, मेटल। ठीक है, और इस मेटल का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड भाग रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज है वो चार्ज का स्पीड इस साइड है, मतलब चार्ज इस साइड भाग रहा है, मतलब जो अपना माइनस क्यू है वो इस साइड जा रहा है। समझ गया, जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, अपोजिट में है, और माइनस क्यू का यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है उसका डायरेक्शन इस साइड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तब ये जो चार्ज का स्पीड होगा ना उसे हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। समझ गया, जो भी मूव करेगा तू। तो यहाँ पे देखो इसका एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, कैसे आया ध्यान दे दो यहाँ पे। तो जो Q है, Q एक चार्ज है, N है ये जो नंबर ऑफ चार्ज है, A है ये जो यहाँ पे एरिया है पूरे पूरे के पूरे मेटल की, लेंथ मतलब वो एरिया का जो पूरा मेटल है उसका लेंथ है, इलेक्ट्रॉन मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ से अपने को मिलता है, क्यू इजिकल टू ए एन ए एल। ठीक है, नाले ऐसा कुछ याद कर लो आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर देते हैं इसको, जो यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग को, जिससे आपको थोड़ा जल्दी समझ भी जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये टी इजिकल टू, देखो यहाँ पे जो भी दे के रखा है एल अपॉन वी डी,
अल्फा दिया है, यानी कि लेंथ अपॉन है पोटेंशियल डिफरेंस, आई की वैल्यू क्यू अपॉन टी है, ठीक है। आई की वैल्यू ध्यान देना अच्छे से, क्यू अपॉन टी है, और क्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला, नाले ऐसा निकाला, और टी कितना आ गया यहाँ पे, टाइम, लेंथ अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से एल और ये एल कैंसिल और वी डी ऊपर जाएगा, तो देखो ये मिल जाएगा, फिर यहाँ से आई इज इक्वल टू एन ए वी डी मिल गया, ठीक है, नावे, ठीक है। तो वी डी इज इक्वल टू I, देखो ध्यान देना चाहिए, यहाँ VD इज इक्वल टू ये I अपॉन VD, सिर्फ निकाल रहा हूँ अभी आपसे, कैसे देखो I इज इक्वल टू एन ए वी डी ई, ऐसा कुछ है हाँ। तो यहाँ से मैं VD की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगा, I अपॉन एन ए ई आ जाएगा, समझ गया, देखो यही मिल गया ना, ये एन ए ई, समझा। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ लो, जो यहाँ पे करंट है, यानी कि करंट है अपॉन ए जो एरिया है, ये क्या होता है, ये कुछ और नहीं, इसका मतलब होता है जूल, ठीक है, क्या होता है ये जूल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जूल अपॉन एन ई आ जाएगा, समझ गया। देखो जे इजल टू आई अपॉन ई होता है, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, लर्न कर लो इसको, एन जो यहाँ पे आई अपॉन ए है एरिया, यानी करंट अपॉन एरिया, ये जूल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जूल आपको याद रखना है, ठीक है, देखो वही बार बार यहाँ पे बता रहा है, और कुछ नहीं है, और लास्ट में वही फॉर्मूला आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो मेन चीज यहाँ तक है, बस यहाँ तक आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो वी डी है, ये है ड्रिफ्ट स्पीड, यानी कि किसी ने बोला कि ड्रिफ्ट स्पीड बताओ, तो कैसे निकालोगे, एन ई से, एन से नंबर और ई से इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कितने नंबर ऑफ, समझ लो 50 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो तो टोटल चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। और जूल क्या है, उनका जो भी हीट है, या फिर जो भी मतलब हीट प्रोड्यूस होता है, या फिर जो भी करंट पर यूनिट एरिया में जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वही है जूल, इतना आपको याद रखना है। लास्ट वाला देखो पॉइंट यहाँ पे गाइस दिया हुआ है, जो भी हमको यहाँ पे ओम्स लॉ पढ़ना है अभी, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ना है यहाँ पे, ओम्स लॉ। तो ओम्स क्या था, सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है, मतलब ओम कहाँ पे हम लोगों ने देखा था, तो ओम हम लोगों ने रेजिस्टेंस में देखा था, कहाँ पे देखा था, अच्छे से रेजिस्टेंस में, मतलब रेजिस्टेंस जब प्रोड्यूस होता है तो वो ओम्स लॉ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अच्छे से कि मतलब ये यूनिट कैसे आया है, रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये सब कुछ ऐसे प्रॉपर कंडीशन में हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में, ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देखो तो जो ओम्स थे ये 1828 आपको पता है, मतलब तभी जाके ये साइंटिस्ट लोग ने उस टाइम पे कुछ प्रोड्यूस किया था, ये जो जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, 1828 एडी में इन्होंने अपना कुछ जो रूल था दिया था, वो रूल क्या था, यानी कि जो ओम्स लॉ था वो क्या था, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, एग्जाम में 2 मार्क्स को पूछता है, वो क्या है, ध्यान से लिखना, लाइन टू लाइन एग्जाम में आपको लिखना है। तो द करेंट आई थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V applied across its two ends provided by the physical state of the conductor is unchanged. अब देखो बोलने का मीनिंग क्या है, समझ लो यहाँ पे एक मेटल है, मेटल में से करंट जा रहा है, ये मेटल में से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे एटम्स आयंस सब कुछ भरे हुए हैं ना, तो ये करंट के फ्लो होने से क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे, यानी कि इससे एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा, इसकी यूनिट है ओहम, पर ये आया कैसे, इसको किसने बताया, ये कैसे आया समझना है। तो आप ध्यान देना, समझ लो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, इसके बीच में कितना करंट होता है, प्रोड्यूस होता है, वही है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और एक करंट है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, तो बोल क्या रहा है ये कि जो V होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस V, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, I को, करंट को, समझा कि नहीं, मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा। अब देखो इसकी कभी भी एक चीज और आपको बता दूं, बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया ये साइन का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता है, समझ लो A इज डायरेक्टली, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है अल्फा, हाँ, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और दूसरा होता है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, जब इनवर्सली बोलने का तो 1/2 कर देने का, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, जब A इंक्रीज होगा तो B भी इंक्रीज होगा, समझा कि नहीं, अगर A की वैल्यू 5 हो गई तो इसकी भी 5 हो जाएगी, समझ गया, अगर समझ लो A डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, समझा, इधर पे क्या कंडीशन होती है, अगर A इंक्रीज होगा तो B क्या होगा, डिक्रीज होगा, अगर A डिक्रीज होगा तो B की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, आपको याद रखना। तो ये जो न्यूटन है, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए को, आई को, समझा कि नहीं, तो मतलब यहाँ पे क्या बताया मैंने अभी, जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा इस ए और बी पॉइंट के बीच में, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, मतलब करंट ज्यादा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, समझा कि नहीं, तो जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इन दोनों ए और बी पॉइंट के बीच में, यही होता है पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसने क्या बताया, न्यूटन ओम्स ने, जॉर्ज साइमन जो ओम्स था, इन्होंने क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई को,
बट अब इस कंडीशन में हम लोग लिखते क्या है, ऐसी कंडीशन में आपने केपलर का लॉ वगैरह देखा था इसमें, ठीक। क्या करते हैं इसमें हम लोग, कभी भी जब ऐसा लिखते हैं तो हम लोग इक्वल का साइन डालते हैं और यहाँ बी लिख के कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, ऐसा लिखते हैं ना। तो वही यहाँ पर भी करना है, यहाँ पे लिखने का ऐसा वी इज इक्वल टू करने का और आई लिखने का, बट जॉर्ज साइमन ने यहाँ के जगह में आर यूज किया और ये आर को उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा एक चीज है, ऐसी एक वैल्यू है जिसका नाम है रेजिस्टेंस, और ये प्रोड्यूस होता है हर एक मेटल में जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करते हैं, तब जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करते हैं तब तब ये जो फैक्टर है आर रेजिस्टेंस, ये प्रोड्यूस होता है उस मेटल में, और ये वही फैक्टर है जिस फैक्टर से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो नहीं हो पाता है, मतलब इसका नाम रेजिस्टेंस है। समझ गया कि नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो फॉर्मूला बन गया वी इक्वल टू आर आई, या फिर फेमस है इसका वी इक्वल टू आई आर, ठीक है, एक ही बात है, आपको दोनों याद रखना है, यही था ओम्स लॉ, ठीक है, इतना आपको समझ रखना है, ठीक है। देखो आगे चल के हम लोग यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं अच्छे से, जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे लिखा है, आई इज वी यहाँ पे लिखा है, वी इक्वल टू आई आर आ गया, आर क्या है कॉन्स्टेंट है, आर इक्वल टू वी आई भी आप बना सकते हो, 1 ओम इक्वल टू ये 1 वोल्ट/1 एम्पीयर कैसे आया समझ लेते हैं फटाफट। तो देखो अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि वी इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से निकाल लिया कि R is equal to V upon I, ठीक है, और V जो है V का यूनिट होता है वोल्ट, क्या होता है V का यूनिट वोल्ट, और जो करंट है करंट का यूनिट होता है एम्पियर, क्या होता है करंट का यूनिट एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है ओहम होता है, क्या होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर ओहम, और जिसकी यूनिट क्या है ये ऐसी कुछ दिखाते हैं हम लोग ओहम, समझ गया। तो R रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओहम होती है, समझ गया, ये आपको बस याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो ये बहुत ही आईएमपी चीज आज हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है, आप लोगों ने वीडियोज को वॉच किया, अपने फ्रेंड्स लोग में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ये 100% एकदम जेन्युइन वीडियो और बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट, जिससे आप लोग का बहुत ज़्यादा डाउट्स क्लियर हुआ होगा, वीडियो का 1 से 2 बार वॉच करोगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स लोग को भी सेंड कीजिए इसको और उन्हें भी बताइए कि मतलब ये बहुत अच्छी वीडियो, और जिससे उनका कंसेप्ट जो होगा वो प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, अगला वाला पार्ट इसका बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, इतना सा अगर आपको आ गया तो आप लोग ना अगर खुद से भी आगे रीड करोगे ना तो आपको आ जाएगा, मेरा मतलब ऐसा है कि आप लोग खुद से एबल बनो कि आप सारे के सारे चैप्टर्स खुद से भी रीड कर सको, तो मैंने इतना बेसिक बताया है ना, आप लोग इसके बाद के सारे चैप्टर्स मतलब जो चैप्टर है इसका पूरा कंप्लीट चैप्टर रीड भी करोगे ना तो आपको बहुत आसान सा लगेगा, मतलब बहुत ही मजा सा आएगा, आसान लगेगा। तो ये बहुत ही आईएमपी चीज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी आपको सीखने के लिए। अब मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा, बस आप लोग तब तक इस वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर वगैरह करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।